जी सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। जी आ रही है। अच्छी बात है। अच्छा जनाब, हमने अभी तक जो कवर किया है वो हमने ऑब्जेक्ट टाइप कवर कर ली है, कोर टाइप्स कवर कर ली हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइपस्क्रिप्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल्दो कोई कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है जी, टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी हम सवाल ले लेते हैं, बाकी अगर आपके पास आपको कोई कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोग आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सर जी, सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन है मेटावर्स का जो कोर्स है, मेटावर्स जो वेब 3.0 डेवलपर का जो कोर्स है ऑन साइट, तो पहले ये सुना था कि मतलब वो बीसीसी कोर्स का एक पार्ट है, अब वो एक सेपरेट कोर्स है, तो क्या हम उसमें एनरोल करें या नहीं, इसका वो इसमें एक और हो जाए। अच्छा देखिए, मैं सब लोगों को ये बता दूं कि जो जो चीजें उस वाले जो ये वेब 3 का कोर्स मेटावर्स का कोर्स एक्चुअली है, उसके अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो उसको जो है वो किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि उसके भी आउटलाइन कोई बाहर भी आई नहीं है। मिसाल के तौर पे जो 3D से रिलेटेड सारी चीजें हैं, 3D हैं और ये सारी जो चीजें हैं जो 3D और वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी से चीजें, वो हमारे कोर्स में कवर नहीं होगी, ठीक है, बीसीसी के अंदर कवर नहीं होगी। बाकी सारी चीजें कवर अप होंगी उसके अंदर, जितनी भी चीजें नेक्स्ट ईयर कवर होगा, टाइपस्क्रिप्ट ऑलरेडी कवर हो रही है, आपकी ब्लॉकचेन की थ्योरी जो है वो कवर अप हो गई है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस कवर हो गया है। तो अगर हम देखें तो हमने काफी चीजें जो है वो अचीव कर ली हैं, ठीक है, और विद इन दैट फर्स्ट क्वार्टर। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो उसमें हम सॉलिडिटी को देखेंगे, नेक्स्ट ईयर को देखेंगे, और नेक्स्ट ईयर टाइपस्क्रिप्ट और सॉलिडिटी के साथ हम जो है वो पूरा एक कोर्स कंप्लीट करेंगे। सो दैट मींस के सेकंड, आप जब सेकंड क्वार्टर कर लेंगे तो आपको सॉलिडिटी की बेसिक्स सारी बताऊंगी, टाइपस्क्रिप्ट आपको सारी बेसिक बताऊंगी, नेक्स्ट ईयर की सारी बेसिक्स बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर अप कर चुके होंगे बाय क्वार्टर 2। क्वार्टर 3 में हमारा टारगेट है कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है उसको हम स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बेसिस तो सारी कंप्लीट होगी, सॉलिडली नेक्स्ट ईयर टाइपस्क्रिप्ट ये सारी चीजें हम कर चुके होंगे। हम उसके अंदर जो है वो फिर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, टोकन डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टोकन डेवलपमेंट है, और ये सारी चीजें जो है वो किस तरह से बनती हैं, फ्रेमवर्क क्या है, हार्ड हैट वगैरह, हार्ड हैट हम पहले ही कर चुके होंगे, और हार्ड हैट है, और इसके अलावा जो है वो ट्रफल भी हम देख लेंगे, हार्ड हैट हम देख लेंगे, उसके अलावा जो ईथर जेएस है, वेब 3 JS है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्वार्टर थ्री के एंड तक अगर आप लोगों ने जो है वो प्रॉपरली फॉलो किया सारी चीजों को, एग्जाम्स आपने दे दिए और प्रैक्टिस आपने जारी रखी, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वार्टर 3 के एंड होने पे यू आर रेडी टू टेक अ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वार्टर 3 तक हमारा जो एम है वो ये है कि आप रेडी हो जाएंगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपर के लिए, वेब 3 डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें आप कर लेंगे। Q4 हमारा एडवांस्ड मॉड्यूल है, क्वार्टर है, उसके अंदर हम DeFi पढ़ेंगे, DeFi से रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, हम बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस क्या हैं, डिसेंट्रलाइज्ड DeFi कैसे चलता है,
डीफाई में क्या है, मेटावर्स में क्या है, मेटावर्स की एप्लीकेशन कैसे बनेंगी, एनएफटी मार्केट प्लेसेस कैसे बनेंगे, डैक्स कैसे बनेंगे और बहुत सारे जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, वो हम जो है वो उसकी थ्योरी उसको पढ़ेंगे हम कि क्या है, किस तरह से उनकी 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 जो है वो इकोनॉमिक डिजाइन क्या है, उनका टोकनॉमिक्स क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो Q4 जो है वो एडवांस हमारा क्वार्टर है और उसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ के कंप्लीट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपको एक मैंने दोबारा से पूरा Q4 तक का एक आइडिया दे दिया आपको कि भाई क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं और Q3 तक हम जो है वो क्या मतलब एक हर क्वार्टर के अंदर बेसिकली मैंने आपको टारगेट्स बता दिए कि क्या क्या टारगेट्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे सवाल पूछे साजिश। ओके थैंक यू सो मच सर। सर अगर हम कंटिन्यू करना चाहे दोनों को तो भाई आप कंटिन्यू तो किसने मना थोड़ी कि आप सारे कोर्सेज कंटिन्यू करें पीआईएसी के, आप में हिम्मत होनी चाहिए। देखिए मैं इसका जवाब मैं थोड़ा सा देता हूँ आपके सवाल का। देखिए अगर आप फुल टाइम अगर सिर्फ पीआईएसी के कोर्सेज ही पढ़ रहे तो और आप हफ्ते में जितनी घंटे क्लासेस ले रहे हैं उससे उतने घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स आप क्लासेस जितनी ले रहे हैं एक से ज्यादा कोर्सेज अगर आप प्लान कर तो आप शायद कर सकते हैं। मगर आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई दूसरी पढ़ाई साथ पढ़ रहे हैं और आप हमारी क्लासेस फर्ज करें हम 3 घंटे की क्लासेस वीकली ले रहे हैं, आप 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, इसके बाद अगर आपका टाइम बच रहा है और आप समझ सकते हैं कि आप में कैपेसिटी है पढ़ने की मजीद तो आप कंटिन्यू करें। मगर आप ये अगर सेल्फ स्टडी इन वाली एग्जिस्टिंग क्लासेस की करा रहे जी तो आप उसको नहीं करना चाहिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं। अगर यू कैन मैनेज टाइम, आपकी कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है जिंदगी में, आप सिर्फ ये पीआईसी के कोर्सेज से जुड़े हुए तो आप शायद कर पाए। ठीक है सर, मेरा एक ये सवाल है कि ये 12-13 सितंबर को जो पेपर है जावास्क्रिप्ट का, तो सर उसमें मैंने जो है जावास्क्रिप्ट सिर्फ जो किताब है माइक मेयर्स की किताब उसको मैंने फॉलो किया हुआ है, इज दैट इनफ या कि एचटीएमएल सीएसएस को भी पढ़ना होगा मैं? मेरे भाई इसको हम वैसे तो जो लाइन मैनेजर्स हैं उन्होंने इसको बहुत हद तक कवर करवा दिया, एचटीएमएल सीएसएस भी कवर करवाया है डेस्क के अंदर, जावास्क्रिप्ट की जो लर्निंग स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट जो है वो उसके 40 चैप्टर आएंगे, एचटीएमएल सीएसएस की कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके सर थैंक यू सर। अच्छा हमने जो है वो टाइप पढ़ ली है। अच्छा यार मुझे कोई यूनियन और लिटरल्स जो हमारा चैप्टर 3 था उसके बारे में बताएगा कि यूनियन क्या होते हैं और लिटरल्स टाइप क्या होती हैं? सर हम यूनियन में दो टाइप्स को एक साथ मिला के एक मतलब नई टाइप बना सकते हैं अगर हम चाहें, या फिर वो डायरेक्टली हम उसको खुद कर सकते हैं। गुड, तो यूनियन टाइप जो है वो बेसिकली क्या होती है, दो टाइप का मजमुआ होती है और एक डिफरेंट टाइप उससे बन जाती है, ऐसी है? यस सर। अच्छा तो यूनियन टाइप में नैरोइंग क्या होती है? हमने कवर किया था लास्ट क्लास में नैरोइंग। जी
नहीं पता किसी को भी। सर जब हम किसी वेरिएबल को मतलब स्ट्रिंग या नंबर दे दिया और उसके बाद जब हमने उससे कोई वैल्यू असाइन कर दी फर्स्ट टाइम, मतलब एबीसी अगर नंबर और स्ट्रिंग है और अगर हम एबीसी को मतलब इज इक्वल टू पाकिस्तान दे देंगे तो वो नैरो हो जाएगा कि ये एज ए फर्स्ट टाइम इज स्ट्रिंग डिक्लेयर हो जाएगा उसको। चलें और कोई अच्छा देखें मैं एक मिनट इसको रिकॉर्ड होगी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखें नैरोइंग यूनियन जब हम करते हैं तब नैरोइंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा जब यूनियन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक टाइप बनाई, ठीक है, और उसके अंदर मैंने यूनियन डाला और यूनियन के अंदर मैंने नंबर और स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। तो अब ये नंबर और यूनियन, ये जो यूनियन की टाइप है नंबर स्ट्रिंग, ये एक्चुअल में क्या बता रही है कि इस वेरिएबल में नंबर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चला जाएगा, नंबर भी चला जाएगा और स्ट्रिंग भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को जो है वो ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ये है क्या, उसको जो है वो उसको नैरो डाउन करना पड़ता है कि भाई स्ट्रिंग है या नंबर है। क्योंकि कोई भी जब नंबर जो वैल्यू आएगी वो या तो नंबर होगी या स्ट्रिंग होगी, दोनों में से कोई एक होगी, ठीक है। तो इसको बताने के लिए टाइप स्क्रिप्ट का, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसको ये बताने के लिए जो वैल्यू आई है वो क्या है, स्ट्रिंग है या नंबर है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि आप कोई इफ की कंडीशन वगैरह लगाएंगे उसमें, जो टाइप ऑफ कि भाई ये जो अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन परफॉर्म करें, अदरवाइज नंबर वाले ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इसको कहते हैं आप बेसिकली नैरोइंग डाउन। नैरोइंग का मतलब है कि आप अब जो दो टाइप आपने ली है उसमें से कोई एक है, क्योंकि आएगा तो कोई एक ही ना, वैल्यू तो कोई एक ही आएगी। अब पर्सन आपने लिया है, मिसाल के तौर पर आपने यूनियन टाइप बनाई है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल जो है वो एक टाइप है। आपने पर्सन लिया, एक टाइप बनाई पर्सन, पर्सन के अंदर आपने डाला मेल और फीमेल, ठीक है। अब आप किसी पर्सन को बुला रहे हैं तो उसमें दोनों आपको बताएगा भाई पर्सन मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, लड़का भी आ सकता है। लेकिन जब वो फाइनली, ठीक है, वो मिसाल के तौर पर जब वो पैदा होता है तो उस यूनियन टाइप के अंदर से वो आप डिटरमाइन करते हैं कि अब ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, मेल है या फीमेल। तो अगर वो पर्सन कर रहा हूं मैं उसको, तो पर्सन के साथ आप क्या कर सकते हैं कि कुछ चीजें कॉमन जो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल में जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और कॉमन फंक्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको नैरो डाउन कर देते हैं, जब उसकी वैल्यू ट्रांसफर होती है, तो या तो वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो मेल के फिर अपने फंक्शन हैं और फीमेल के फिर अपने फंक्शन हैं जो वो ड्राइव करता है टाइप स्क्रिप्ट। उसको पता चल जाता है कि अच्छा अब ये वाली टाइप। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है ये नैरोइंग का कॉन्सेप्ट। नैरोइंग का कॉन्सेप्ट को आप दूसरे लफ्जों में समझना चाहें तो दूसरे लफ्जों में ये है कि आप एक्चुअल टाइप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यूनियन के अंदर जब आप यूनियन टाइप डिफाइन करते हैं तो आप दो या दो से ज्यादा टाइप का बताते हैं कि ये वेरिएबल जो है वो दो या दो से ज्यादा टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन जब वैल्यूज के अंदर आती है तो वो वैल्यू किसी एक टाइप की होगी, ऑब्वियसली किसी एक ही टाइप की होगी। तो वो टाइप को डिटरमाइन करना, टाइप स्क्रिप्ट में एक्चुअल टाइप सिस्टम क्या है उसको टाइप को डिटरमाइन करता है ना, वो डिटरमाइनिंग करना जो है वो उसको कहते हैं नैरोइंग। जी जनाब, और कोई सवाल है? अच्छा मैं ही सवाल पूछूंगा। अच्छा यहाँ तो ओके सर, क्लास को हमारी हो गई है और
आई थिंक यूनियन हमने क्लास टू में पढ़ा था. हाँ यहाँ पे देखें, ये जो है ना ये वाली जो यूनियन टाइप है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ, क्लास थ्री शुरू कर देता हूँ ज़्यादा बेहतर, ठीक है जी. मैंने कितने चले जी, हम चले जाते हैं टी में. अच्छा, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है ये यूनियन टाइप और नैरोइंग में क्या फर्क है दोनों में? अगर देखें आप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो हम उसका आंसर देंगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि आपको समझ आ रहा है. तो अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो हम अभी भी रिपीट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलें क्योंकि ये रिविजन ही चल रहा है. जी क्लियर है? ये कासिम भाई एग्जाम्पल करके सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको. क्लियर है? बिल्कुल, चलिए, जबरदस्त बात है. सर ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये लाइन नंबर 6 पे ये डबल इक्वल और इस पे एक ट्रिपल इक्वल भी हम लगा सकते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? नैरोइंग और इसका थोड़ा बहुत क्लियर है, यानी कि मैंने तो कुछ फ्यू क्लासेस पिछली मिस की हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन समटाइम ना हम वही डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं, तो उसको क्या डिफरेंस होता है इस जगह पे जो लाइन नंबर 6 पे आपने यूज किया? सर आपने कोड ओपन किया था उसमें सर कोड ओपन कर दें तो फिर उधर वो आपने कोड पहले शो कर रहे थे उस पे कोई क्वेश्चन था यूनियन के अंदर? हाँ जी, अभी आप शो कर रहे थे कोड यूनियन का, क्लियर है वो, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो साइन की जा सकती हैं सेम वेरिएबल्स को. हाँ तो क्या, तो वो एक लाइन नंबर 6 थी, लेकिन चलें अभी वो चली गई है, दोबारा अगर आई तो फिर मैं आपसे पूछ लूँगा, बस अभी जेन से निकलिए. सर वो भाई पूछ रहे हैं कि ये इफ के अंदर डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या फर्क होता है? ओ यार ये तो बेसिक जावास्क्रिप्ट का इशू है यार भाई जान, जावास्क्रिप्ट आप लोग पढ़ें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में फर्क ये होता है, उसके अंदर आपका जो ट्रू है ना, ट्रू एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि आप जीरो और वन भी जो है वो एज अ बुलियन चलता है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसके अंदर वो बुलियन चल जाता है. दैट मीन्स कि अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू है तब भी चल जाएगा, ठीक है ना. तो ट्रिपल इक्वल्स टू जब आप लगाते हैं तो उसमें आप बताते हैं उसको कि भाई ट्रू और फॉल्स हो तभी जो है वो, जब आपकी ये कंडीशन जो है वो बूलियन रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स तभी वो चले, ठीक है. तो ये है ट्रिपल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स में फर्क. डबल इक्वल्स टू में आप कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है. डबल इक्वल्स टू का मतलब है आप कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन ट्रू फॉल्स जरूरी नहीं है. जावास्क्रिप्ट जिसको ट्रू समझता है वो बहुत सारी वैल्यूज है, अनडिफाइंड होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना. उसके अलावा अगर उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो ट्रू हो जाएगा. तो ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें. तो देन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लें, उसकी बेसिक्स ऑलरेडी हमने क्लास में कवर करवाई हैं, मतलब हेड डेस्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करवाई हैं. अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई और मसला है हम और हेल्प डेस्क करवा देंगे. लेकिन अगर आपने यहाँ जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस नहीं की और जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको नहीं समझना है तो मेरे भाई आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल फ्लाइंग उस पर जा रहे हैं,
ठीक है, और अभी तो आप लोग जो है वो मेटा और इसकी भी बातें कर रहे हैं, तो दैट मीन्स के फिर आपको तो और भी रॉकेट इंजन लगाना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है जी। तो मैं जो आपको जेट इंजन की बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि जी नहीं रॉकेट इंजन लगाना है और हमें और बहुत तेजी से जाना है, तो उस तेजी को पकड़ने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट की बेसिक्स जो है ना वो सारी पता होनी चाहिए, HTML की बेसिक्स पता होनी चाहिए, CSS की बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, और गिट की बेसिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ये चार चीजें अगर आपको नहीं पता मेरे भाई तो आप कभी भी अच्छे डेवलपर नहीं बन सकेंगे, ये लिख के लेना मुझसे आपको, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चारों चीजें कुछ समझ नहीं आएंगी, चाहे आप जितनी बुक पढ़ लें, जितने लेक्चर्स ले लें, आप जितनी डिग्रियां की डिग्रियों कर डिग्रियां तो छोड़ दें, आप कोर्सेज के कोर्सेज कर लें, सारे दुनिया जहां के कोर्सेज कर लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये कोई चीज समझ में नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है जी। चले आ जाए, अब मिसाल के तौर पर हम एक लेते हैं फंक्शन, मैं ये नैरोइंग का सिर्फ जो है वो एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इससे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, हम लेते हैं लेफ्ट नंबर और राइट, ये भी ठीक है जी, ये तो एक नॉर्मल टाइप हो गई। हम कहते हैं जी लेफ्ट में नंबर, अब मैं अगर यूनियन बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, नंबर और स्ट्रिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है जी, ठीक है ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं रिटर्न करवा रहा हूँ लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एरर आ रहा है आपके पास, ये मैं देखता हूँ इसको, ठीक है जी। और मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एड, और इसमें मैं कह रहा हूँ जनाब ए ए प्लस बी ए एंड बी, ठीक है जी। इसका एक और मैं बना देता हूँ, ओ सॉरी 20 प्लस 30, एक और बना देता हूँ 30, ठीक है जी। और ये मैंने दोनों बना दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है मेरे पास कि भाई ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू टाइप स्ट्रिंग नंबर। अब देखें ये खुद ही जो है ये क्या कह रहा है कि इस टाइप जो है स्ट्रिंग और नंबर उसमें प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये यूनियन टाइप में उसने बता दिया कि ये नहीं चल सकता। अच्छा ये क्यों बोल रहा है कि ये नहीं चल सकता ऑपरेटर प्लस, हालांकि ऑपरेटर प्लस जो है वो एक्चुअल में तो दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर कर दूंगा तो ये एरर खत्म हो जाएगा। चलें जी मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये देखो ठीक है, लेकिन एरर कहाँ आ रहा है मेरे पास अब, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या करता है कि आपको गलत कोड लिखने नहीं देता, तो ये बड़ा फायदा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको जो है वो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नैरो करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये कोड चलेगा। अब नैरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, इफ अगर मैं कह रहा हूं टाइप ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू, ठीक है, टाइप ऑफ इक्वल्स टू क्या है, अगर तो नंबर है, ठीक है, और एंड एंड क्या टाइप ऑफ राइट इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। अगर नंबर है तो क्या करे, रिटर्न करे लेफ्ट प्लस राइट एल्स। अब ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये क्या कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं नैरोइंग डाउन, ये मैंने नैरो डाउन कर दिया इसको, ठीक है जी। और मैं कह रहा हूं रिटर्न, ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये मैंने इसको नैरो कर दिया। अब टाइप स्क्रिप्ट जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चला सकता है कि रिटर्न टाइप क्या हो, पहले ये इसको रिटर्न टाइप नहीं समझ में आ रही थी, ठीक है। देखिए यहां पे रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग एंड नंबर, अगेन वो क्या कर रहा है कि यूनियन में दे रहा है, लेकिन यहां पे उसके पास क्लियर है कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। अगर मैं यहां पे आ रहा हूं तो ये पता चल रहा है कि उसके पास नंबर, ठीक है जी। देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, लेफ्ट भी नंबर है और राइट भी नंबर है, उसको ये यहाँ पे पता है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस जगह पे राइट और लेफ्ट नंबर ही है, ठीक है। देखें राइट पे आ रहा है नंबर और लेफ्ट पे भी आ रहा है नंबर, तो ये क्या हो गया, नैरो हो गया यूनियन से, ऑटोमेटिकली उसकी टाइप में आ गया, समझ में आ रही बात,
ठीक है जी। तो ये होता है नैरो, और इसके अंदर बेसिकली नैरोइंग जो है यूनियन के अंदर हर किसी में ये नैरो होता जाएगा, ठीक है जी। रिटर्न टाइप के अंदर भी नैरोइंग होती है आपके पास। तो ऐड के अंदर अभी बेसिकली क्या है कि यूनियन आ रहा है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई रिजल्ट दूंगा, सपोज मैंने कहा लेट रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स टू सॉरी कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है जी, रिजल्ट इक्वल्स टू दिस। तो अब मैं यहाँ पे देखें क्या आएगा मेरे पास, स्ट्रिंग एंड नंबर्स। तो अब मैं रिजल्ट के अंदर डॉट टू अपर केस करूंगा या इसको रिजल्ट डॉट, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेथड आएंगे ना, ये भी देख लें कि मेथड कौन से आ रहे हैं। मेथड वो आ रहे हैं जो दोनों में अवेलेबल होंगे, यानी कि ये वो मेथड्स हैं जो एक्चुअल में नंबर और स्ट्रिंग के हिसाब से, नंबर और स्ट्रिंग के हिसाब से यूनियन हो रहा है, और नंबर और स्ट्रिंग की जो टाइप है उसके जो मेथड है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिजल्ट को ये कर देता हूं तो क्या होगा, मैं कर रहा हूँ क्लास में, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, नो सर ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको आप केयरफुली देख लें और अगर प्रैक्टिस भी साथ कर सकते हैं तो कर लें। एक काम करते हैं ना, यहीं पे ले लेते हैं। मैंने कुछ चेंज किया, ठीक है। वापस से बैक टू कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं। अच्छा, अब जो मैंने किया है उसमें देखें ऐड में जो है वो क्या जा रहा है, नंबर जा रहा है और अनडिफाइंड। जो एक्चुअल में जो वैल्यू जा रही है वो क्या जा रही है, नंबर और अनडिफाइंड। वो क्यों जा रहा है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि रिजल्ट पर मैंने जो है वो रिटर्न नहीं किया, सॉरी। अब देखिए क्या हो रहा है, इस फंक्शन में से दो ही चीजें जाएंगी, ठीक है, या तो स्ट्रिंग जाएगा या नंबर जाएगा। अब यहाँ पे भी इसमें रिटर्न तो ऐसे ही जाएगा ना, क्योंकि यूनियन में। चलिए ठीक है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अब रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे देखें 20 और 30 इस तरह से है और यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देख लिया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई डिफाइन करेगा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, बुलियन, ये सब चीजें पास कर सकते हैं, ठीक है।
जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली अगर आप उस पे हो तो सिंपल उसमें समझें तो एनीथिंग इज ऑब्जेक्ट इफ इट इज डिफाइंड इन की वैल्यू. ठीक है, ये अगर मैं ये करूंगा लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, ठीक है, या पर्सन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी दो पैरेंथेसिस वेरिएबल के अंदर अगर आप की वैल्यू में डिफाइन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है, नहीं ठीक, ये आपका नेम आ गया. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट है आपका. और ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली जो उसकी टाइप होगी पर्सन की वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूनियंस होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं. ये सारी चीजें हमने जो है वो लास्ट क्लास में कवर अप की थी. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अच्छा, अब आज का जो चैप्टर है वो है फंक्शन. हमने ऑब्जेक्ट कवर किया, उसके बाद हम अब आ रहे हैं फंक्शन के ऊपर. अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं जी सर? फंक्शंस जो हैं वो किसी भी, अगर आपको एक की चीज बार बार करने की जरूरत है तो आप फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे वो काम बार बार हो सकता है. फंक्शन जैसे हमने अभी ऐड का फंक्शन बनाया, क्योंकि हमें ऐड बार बार करना पड़ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ करना पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, फंक्शन बनाया. ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने एक लॉजिक लिखी, उसको हमें बार बार यूज करना है. तो उसकी जो फंक्शन है उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एक पैरामीटर जा रहा है और उसके बाद बाकी चीजें जा रही है. ठीक है, अच्छा, अब एज फंक्शन अगर मैं ये फंक्शन डिफाइन करूं, जैसे मैंने ऐड का है या सिंक का है, अब यहाँ पे इस जो फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है टाइपस्क्रिप्ट के लिए, इस पैरामीटर के अंदर वो इस कॉन्टेक्स्ट में उसको पता नहीं है कि इस सॉन्ग में क्या आएगा. ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो ये आपको एनी टाइप बताएगा कि ये एनी टाइप है, लेकिन एनी टाइप क्या है, एज एन एरर बताएगा कि भाई टाइपस्क्रिप्ट विल कंसीडर इट टू बी द एनी टाइप, मीनिंग द पैरामीटर टाइप कुड बी एनीथिंग और टाइपस्क्रिप्ट इसको डिफाइन नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि अगर टाइपस्क्रिप्ट का मसला क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के पास अगर कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो उसकी टाइप खुद से साइन करेगा, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो वो उसकी टाइप डिटरमाइन नहीं कर सकता. तो इस फंक्शन की ये वाला जो नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट में तो इजीली चल जाएगा, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में वो चल तो जाएगा लेकिन उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि एनी टाइप आ जाएगी उसके अंदर, और एनी टाइप बास उसके अंदर यानी कि बास डिक्लेरेशन में बेसिकली वो कहलाती है एरर टाइप. बास जब आपको वो एरर देगा कि भाई ये टाइप डिक्लेयर करो, इसमें रिटर्न के अंदर स्पेशली वो बताता है कि भाई रिटर्न टाइप जो है वो एनी जा रही है, इसका मतलब है कि एरर है. तो एनी टाइप को हम थोड़ा सा और बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, अब जब हम बेसिकली पैरामीटर के अंदर भी उसी तरह से एनोटेशन बेस आपकी आप जो है वो पैरामीटर की टाइप दे सकते हैं. ठीक है जी, तो आप फंक्शन लिखें, फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है उसके अंदर उसकी टाइप लिखते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या होगा उसकी पैरामीटराइज वाइज टाइप हो जाएगी. अभी हमने एड में देखा कि हमने उसी तरह से एनोटेशन दी और उसके बाद उसकी टाइप दे दी. अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट आर्गुमेंट काउंटिंग विल कम इनटू प्ले इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड विद ईदर टू फ्यू और टू मैनी आर्गुमेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आर्गुमेंट्स जितने आर्गुमेंट्स डिफाइन किए आपने, अगर उसके साथ आप अगर वो ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल कैसे होगा, ऑप्शनल पता है कैसे होगा टाइपस्क्रिप्ट में, हमने लास्ट उसमें करके देखा था. अगर मैं सेकंड को ऑप्शनल करना चाहूँ कैसे होगा ऑप्शनल, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू दे देंगे, इक्वल टू उसकी वैल्यू दे देंगे. ठीक है ना, हमें पता है कि हम किसी भी वैल्यू की को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं. ठीक है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी आ सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शनल करने के लिए हम इक्वल टू उसकी वैल्यू दे देंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शनल हो जाएगा. तो अगर मैं इसको ऑप्शनल कर दूं सेकंड वाले को तो ये पहला वाला चल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि जितने आपने पैरामीटर डिफाइन किए हैं वो पैरामीटर क्या आएंगे, एज अ रिक्वायर्ड आएंगे. ठीक है, उसको आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर आपको आगे नहीं जाने देगा, वो कहेगा भी एरर. तो अगर आपने एक पैरामीटर दे रहे हैं तब भी एरर आएगा, अगर आप दो पैरामीटर दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं. एक्चुअल पैरामीटर जो है जब आप फंक्शन में से किस फंक्शन के अंदर जो ये होते हैं ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और बेसिकली जब आप डाल रहे होते हैं फंक्शन के अंदर तो पैरामीटर लाते हैं. तो यहाँ फंक्शन में आप जान रहे हैं कि भाई ये एक पैरामीटर दिया आपने, यहाँ दो पैरामीटर दिए,
और यहाँ पे आपने तीन दिए, तो दो वाले ओके हैं, बाकी सारे जो हैं वो आपके मसले मसाइल करेंगे। तो फंक्शन में टाइपस्क्रिप्ट में क्या है कि वो आपको जितने फंक्शन हैं, जितने फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं वो उसको रिक्वायर्ड कहता है कि भाई रिक्वायर्ड आएगा, या तो एरर आएगा कि टू मेनी है या टू फ्यू। ऑप्शनल पैरामीटर के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है जी, ऑप्शनल पैरामीटर जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई आप टाइपस्क्रिप्ट अलाउज एनोटेशन ऑफ पैरामीटर ऑप्शनल बाय एडिंग क्वेश्चन मार्क, तो एक तो वो वाला है, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे आगे एनोटेशन के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें और उसके बाद बता देंगे भाई ये वाला जो सिंगल टू है ये ऑप्शनल है, ठीक है जी, कि भाई ये आपके पास। अब आप बेसिकली एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रिंग, ये अगर सिंगल है, सिंगल में बेसिकली क्या होगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसकी वैल्यू हो जाएगी, या तो स्ट्रिंग होगा या अनडिफाइंड होगा। ये इसको हम करके देख लेते हैं, अच्छा यार इस क्लास में हमारे पास कितने लाइन मैनेजर हैं जी? सर अब्दुल मुईस मुझे याद है। अच्छा ये लास्ट हारून है क्लास में? जी जी मैं मौजूद हूँ सर। अच्छा हारून भाई जो लास्ट हेल्प डेस्क हुई थी मैं उसमें ज्वाइन हुआ था कि 30-35 लोग थे, तो कैसे गया था वो? उसमें ये था कि स्टार्टिंग का जो है ना, हमने जो टाइपस्क्रिप्ट जो हमारे जो लास्ट क्लासेस कुछ हुई थी तो उसी के हवाले से जो है ना वो चीजों को लेके जो है ना वो चले, तो अभी तक तो सही रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हेल्प डेस्क इंशाल्लाह होंगे उसमें कुछ मजीद एडवांस जो है ना वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये था कि जो लास्ट कुछ क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन पे और ऑन साइट पे, तो वो लोगों को यही इशू आ रहा था कि उनकी एनवायरनमेंट किसी की क्रिएट नहीं हो रही है, बेसिक प्रोग्राम रन नहीं हो रहे, तो वो उसको टैकल करने की कोशिश की गई है विंडोज और लिनक्स बेस्ड दोनों एनवायरनमेंट के ऊपर, और फिर इसके अलावा वेरिएबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो उनको कर दी थी, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी इंशाल्लाह अवेलेबल कर देंगे वो भी, ताकि जो अटेंड नहीं कर सके उनको भी मिल जाए। लेकिन एक ये थोड़ा सा जो ना डिस्करेजिंग था कि मतलब जो कम्बाइन हेल्प डेस्क था तमाम बैचेस का, तो वो अराउंड जो है ना वो 2000 स्टूडेंट हैं, लेकिन ज्वाइन जो जितने उन्होंने किया तो वो बहुत डिस्करेजिंग था, क्योंकि जो है ना अच्छा टाइम दे दिया गया था अनाउंसमेंट के बाद कि ये होगा हेल्प डेस्क, तो ये थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्ट अगर स्टूडेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो हेल्प डेस्क अरेंज कर रहे हैं उनके लिए भी और स्टूडेंट के लिए अपने लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए जी ठीक है ओके। अच्छा देखें अब इसमें अब हम कोशिश ये करेंगे जो टाइपस्क्रिप्ट की जो हेल्प डेस्क है वो हम थर्सडे, एवरी थर्सडे जो है वो हारून और मुसद्दिक जो है टीए हमारे वो लेंगे, उसके अलावा लाइन मैनेजर्स भी आपकी टाइपस्क्रिप्ट की जो है वो हेल्प डेस्क लेंगे, तो हेल्प डेस्क बहुत सारी हो रही है, अगर आपको कोई भी इशू है ठीक है तो आप हफ्ते में किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, थर्सडे वाली क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है जी, और उसके अंदर ऑलरेडी हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करवा रहे हैं वही टॉपिक्स दोबारा से जो हैं वो कवर होंगे, तो मेक श्योर करेंगे यार अगर आप लोग उसको उससे फायदा उठा लें तो अच्छी बात है। ठीक है जी जी, अब मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शनल कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसके अंदर हम जो है उसको ऐसे भी क्योंकि एरर आ गया मेरे पास, ठीक है, और अगर मैं सिंगर मेहदी हसन इंग्लिश में गाने गाया तो क्या होगा? और
ठीक है जी ये दोनों पे एरर आ चुका है हमारे पास और इसने कहा है कि भाई ये आपके पास ज्यादा है ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट बट गॉट थ्री और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट बट गेटिंग वन ठीक है जी। अब मैं इसको अगर क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ तो हमारे दो तो चल जाएंगे तीसरा नहीं चलेगा ठीक है दो चल जाएंगे बट तीसरा नहीं चलेगा एरर ठीक है इसको भी रन करके देख लेते हैं अब देयर इज नो इशू ठीक है जी। ये पहले में तो आपका ये सॉन्ग आ गया और दूसरे वाले में जो है वो सॉन्ग और आपके पास सिंगल गया तीसरी डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर जैसे मैंने कहा था कि भाई आप क्या कर सकते हैं इक्वल्स टू भी दे सकते हैं और उसके अंदर वो जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर आपका बाय वैल्यू भी चल जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं करना आप इसके अंदर ठीक है ये कर दें और इसके बाद भी आप इसको रन करेंगे तो बेसिकली ये क्या होगा ये तो होगा ही होगा। अब आप इफ सिंगल करें ना करें आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे लगाने की ठीक है। ऑप्शन अगर आपने कर दिया तो आपको फिर जरूरत नहीं है और इस केस के अंदर जब आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है ठीक है पहले वाले केस में जिसमें ऑप्शनल था तो उस केस में आपको चाहिए था ये मैं इसको एक काम करते हैं एक और फंक्शन बना पैरामीटर कैन नॉट हैव क्वेश्चन मार्क एंड इनिशियलाइजर ठीक है। अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको उसी वक्त जब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते ठीक है जी। और इसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं वन टू ठीक है सर फंक्शन नेम चेंज कर दो हाँ चलें वो चेंज है नाउ डिफॉल्ट पे अच्छा यहाँ पे ओके सॉरी गुड पॉइंट अच्छा वो पहले में तो जो हमारा पब्लिक आना चाहिए था ओके जनाब ठीक है आगे चलें। अच्छा उसके बाद एक और पैरामीटर आता है अच्छा ये फंक्शन पैरामीटर जो है सम फंक्शन आर मेड टू बी कॉल्ड विद एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा अब अगर ऐसा है कि आप चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हो वो डायनेमिक हो डायनेमिक का मतलब है डिफाइन ना हो बल्कि डायनेमिक हो तो आपके पास जो है वो दो चीजें हैं एक तो स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पता है क्या होता है ये स्प्रेड ऑपरेटर? यस सर जी ये जो नॉन पैरामीट्रिक टाइप्स होती हैं लाइक ऑब्जेक्ट और एरे तो उसको न्यू बनाने के काम आता है और जो हमारी वैल्यूज हुई भी होती है पहले से अगर हम काफी सारी वैल्यूज हैं और तो उसको हम स्प्रेड ऑपरेटर्स में दे देते तो हमें पूरा एक वेरिएबल उसके अंदर स्टोर हो जाता है और हम उसको डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं कलेक्शन होगी उन टाइप को स्प्रेड करना है स्प्रेड करना है और क्या करना है कि उसको अलग अलग वेरिएबल में असाइन करना है क्योंकि देखिए ये वाली जो टाइप होती है वो क्या होती है ज्यादातर की वैल्यू शेप में होंगी आपकी ठीक है तो उसके जो की है वो ऑलरेडी वेरिएबल बन जाएंगे और बाकी वैल्यू बन जाएंगी तो आप उसके अंदर बार दफा आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको थोड़ी ना जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्रोग्राम देखेंगे या एक्मा 6 की प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें अजीब अजीब चीजें आपको नजर आएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी उसमें से एक अजीब चीज जो है वो ये है आपका स्प्रेड ऑपरेटर ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो बेसिकली क्या करता है कि दो चीजों में काम आ रहे हैं एक्चुअल में क्या है कि स्प्रेड करने में काम आ रहा है कोई कलेक्शन देंगे तो उसके उसको स्प्रेड करने में काम आ रहा है और अगर यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर में क्या कर रहा है कि अगर आप पैरामीटर देने
उसके आगे अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये दो फंक्शन के अलावा आगे जितने भी आप चाहें चाहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एक एग्जांपल बनाता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने एक फंक्शन बनाया ये वाला और उसके अंदर मैंने कहा कि भाई इसमें जो है वो फर्स्ट आएगा स्ट्रिंग होगा, सेकंड आएगा स्ट्रिंग, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो क्या करना है कि मुझे ये स्प्रेड ऑपरेटर लगा देना, मिसाल के तौर पे जिस तरह से आपका। सर ये टाइप हमें जो आप टाइप दे रहे हैं स्ट्रिंग, ये हमेशा देनी पड़ेगी वरना वो टाइप एनी एरर आएगा ही आएगा? नहीं, फिर वो एनी ले लेगा टाइप स्क्रिप्ट, कुछ भी आएगा। अच्छा, मतलब देखें आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करें तो उसकी टाइप डिफाइन करें। तो सर फिर ये टाइप स्क्रिप्ट तो डायनेमिक लैंग्वेज है ना? देखें TypeScript is ये दोनों का combination है। वैसे तो static language की तरफ बहुत सारी चीजें static language इसने basically क्या किया है, जो जैसे मैंने पहले समझाया था आपको कि JavaScript एक dynamic language है, ठीक है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और run time पे decide होता है कि भाई actual में क्या होता है। उसको कुछ हद तक static करने के लिए TypeScript लाई गई, ठीक है। चूंकि JavaScript dynamic है तो उसकी डायनेमिसिज्म टाइपस्क्रिप्ट खत्म नहीं कर रही है। ये बात याद रखें कि टाइपस्क्रिप्ट उसकी डायनेमिसिज्म खत्म नहीं कर रही, लेकिन जो स्टैटिक लैंग्वेज के फायदे हैं, जो स्टैटिक लैंग्वेज के बेनिफिट्स हैं, वो जावास्क्रिप्ट में आपको प्रोवाइड कर रही है। ये बात आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप स्प्रेड ऑपरेटर लगा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि अब आपके पास पहले लगाएंगे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं इसको कि भाई ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, और इसके अंदर मल्टी जितने भी आप चाहें लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इस तरह से यूज हो रहा है। अब इसके अंदर आप कर लें अब यहाँ पे आप दे दें ए ठीक है जी। अब देखिए मैं अगर इसको सेपरेट स्प्रेड ऑपरेटर हटा देता हूँ तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या है कि भाई दो ही पैरामीटर आप दे सकते हैं और दूसरा पैरामीटर के बाद आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप इसको स्प्रेड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहे जितने भी आप पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वो चीज बता रहा है इंपॉर्टेंट तो वही है कि भाई अगर आप स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं तो उसमें नंबर तो दे नहीं सकते, ठीक है, नहीं तो वो एरर आ जाएगा आपके पास, एरर आ जाएगा, ठीक है।
देखें ए ए आया आपके पास, सेकंड ज्वाइन आपने बी किया वो आ गया और बाकी चीजें आ गई, तो इसको और भी आप मजीद कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इसमें भी कॉमा आ जाए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी आपका सारा ज्वाइन आ गया। अब आप जाएं जितने भी इसके आगे बढ़ा। सवाल है कोई यहाँ पे, समझ में आ रहा है? सर क्लियर। नमाज का ब्रेक ले लें और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। अभी हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स में चल रहे हैं फंक्शन पैरामीटर्स के अंदर, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि हम क्या करें, ठीक है जी। ओके, हम नमाज के बाद जो है वो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सर ये एक चीज पूछनी थी, ये जो स्लाइड्स आप शो कर रहे हैं ये इसका लिंक दे देंगे ताकि उसको जरा डाउनलोड करके साथ उसको चेक कर लें, यानी कंपेयर कर लें बाद में स्टडी करने के लिए। हाँ श्योर, मैं इस क्लास के एंड में आपको इसकी आपको शेयर कर दूंगा। हारून अगर आप प्लीज शेयर कर दें तो इसको जो है ना, हारून Recording stopped.
अंदर जाओ पर सॉल्व करो और नहीं तो मत कर और फंडे को